जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे बी एस शर्मा बाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर भगवान श्री कृष्ण के सामने आप ये वस्तु भोग लगा करके खा लेते हैं तो निश्चित रूप से जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जिनको पुत्र प्राप्ति में रुकावट है, निश्चित रूप से उनको पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, ये वस्तु केवल जन्माष्टमी की रात को खानी है। जन्माष्टमी की रात को जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, घर में आप पूजा करते हैं, उस समय पर पति पत्नी को चाहिए किसका भोग लगा करके खाएं। अगर इनमें से एक भी खा लेता, अगर पत्नी भी खा लेती है, तब भी निश्चित रूप से उन्हें मनोवांछित संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। करना यह है कि जन्माष्टमी के दिन रात के समय जब पूजा कर रहे हैं, उस समय पर आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद जो होता है नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। शहद भगवान को अति प्रिय है, बिना शहद के अभिषेक भी नहीं होता है। तो आपको शहद लेकर के शहद और तुलसी के बीज लेने हैं, साथ में दो केला लेकर के भगवान के सामने अर्पित करें। उनमें से एक केला उठा लेना है, केला भगवान के चरणों से स्पर्श करके, अगर वहां पर बड़े बुजुर्ग हैं या ब्राह्मण हैं उनके द्वारा झोली में ले लो तो बहुत अच्छा है। अगर अपने घर में कर रहे हैं तो भगवान के चरणों से स्पर्श करके केला को ले और शहद में तुलसी के बीज मिला करके भगवान के सामने रखना है। और आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है। अगर तुलसी के बीज कई बार नहीं मिल पाते आपको, पूजा की दुकान से पंसारी से मिल जाते हैं, तो आप तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं। आपको मंत्र जाप करना है, देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप करके उसके बाद में शहद और तुलसी के बीज हैं वो आपको खा लेने हैं और उसके साथ केला खा लेनी है। केवल इसको करना है। अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं तो दोनों मिलके उसी को खा ले। निश्चित रूप से मेरे बाल गोपाल की कृपा से आपको संतान प्राप्ति का, मनोवांछित पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।